असल स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर थ्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन से तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स दैट कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से टू डायमेंशनली मूव करे फॉर एग्जाम्पल वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है तो उसकी ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखते हैं इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जैंपल इज वेन अटबॉलर किन विलोसिटी एंड विद एन सर्टेन एंगल फुटबॉल को किक करते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि फुटबॉल एक खास एंगल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल क्या होगी वेन प्लेयर किड अ फुटबॉल और स्टूडेंट्स इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं सेकेंड एग्जाम्पल हो सकती है स्टूडेंट्स वेन अ क्रिक्टर थ्रो अ बॉल और स्टूडेंट्स इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है वेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनली मूव कर रहा है लेकिन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो स्टूडेंट्स ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मजीद डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन है इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस और स्टूडेंट्स मेरे पास एक बॉल है मैं उस बॉल को एक सर्टेन हाइट से फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है पॉइंट ए अगर मैं उस बॉल को पॉइंट ए से होरिजोनटल डायरेक्शन में थ्रो करता हूं तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो बॉल होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा एक वक्त आएगा कि ये जमीन से जाकर टकरा जाएगा तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इनिशियली मैंने इस बॉल को थ्रो किया है अलोंग एक्स एक्सिस तो इनिशियली इस बॉल की सारी की सारी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगना स्टार्ट होगी तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाने की बजाय वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करना स्टार्ट कर देगा तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाएंगे वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज वी एक्स एंड वन कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस व्हिच इज वी वाई सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की विलोसिटी के इस बॉल की विलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स एंड वी वाई वी एक्स एंड वी वाई और स्टूडेंट्स जब ये ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा जाएगा उस वक्त भी इसकी के टू ही कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स एंड वी वाई तो स्टूडेंट्स दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन लेकिन यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर थ्रो कर सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टेड एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल से फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स वो तो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो क्या इस केस में मोशन सारी की सारी वाई एक्सिस की तरफ नहीं होगी ऑब्वियसली तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नाइन्टी डिग्री एंगल पर फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज अ वन डायमेंशन मोशन बॉडी सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है नाउ स्टूडेंट्स अगर हम अगेन अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस आए तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में बॉल जिसको हमने पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स बॉल Moves along horizontal direction as well as vertically. डाउनवर्ड डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स एसी टू डायमेंशनल मोशन ही को तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स अब हम मोशन को डिस्कस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस तो सबसे पहले हम लिखते हैं द मोशन ऑफ द बॉल अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम कह सकते हैं टल डायरेक्टेड मोशन तो स्टूडेंट्स जब हम इस बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर हम कुछ अजम्पशंस देखेंगे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स हम इस मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन no में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू है जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स ही जीरो है तो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी जीरो तो स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की स्पीड क्या होगी कांस्टेंट? स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही इस केस में हम एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करेंगे इस एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ हम एक फोर्स को कंसीडर करेंगे विच इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लेकिन स्टूडेंट्स अभी तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या है जीरो अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और अगर एक्सलरेशन जीरो है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंट होगी तो स्टूडेंट्स मोशन को डिस्कस करने के बाद अब हम होरिजोंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एक खास स्पीड से ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से थ्रो करते हैं अब हम यह देखना चाहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कितना दूर जाकर गिरेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टूडेंट्स अब हम बॉल का डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे हैं जो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैयर किया है तो स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वी ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम और स्टूडेंट्स यहां पर स्पीड किसको रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड को और स्टूडेंट्स एक्स डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है कॉन्स्टेंट तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो एस की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस द बॉल कवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी क्योंकि स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्टेड वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट्स ये था एक्स एक्सिस की तरफ कवर किए जाने वाला डिस्टेंस जो कि बॉल ए ने महिर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नाउ स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड मोशन को डिस्कस करने के बाद अब हम इस बॉल की वर्टिकल मोशन को डिस्कस करते हैं तो हम लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्टेड मोशन ऑफ द बॉल नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि यहां पर हम जो फोर्स कंसिडर करेंगे इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है तो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल। और स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लिखेंगे कि के इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी नाउ स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर और स्टूडेंट्स ये कौन सा फॉर्मूला है इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हरकत की दूसरी मसावात है नाउ स्टूडेंट्स इस केस में हम कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस तो इसकी जगह हम पुट करेंगे वाई इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें पॉइंट ए की बात करें तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए पर तो हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है इसका मतलब यह है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो इनिशियल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की सारी की सारी विलोसिटी सारी की सारी स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर भी हम वाई लिख देते हैं बिकॉज हम यहां पर वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस भी वाई डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी बी डायरेक्शन वाली की जाएगी और स्टूडेंट्स हम एक्सलेशन की जगह क्या पुट करेंगे और ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दैट्स वाई हम यहां पर जी की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर आएगा एस इज इक्वल टू वाई द वैल्यू ऑफ वी आई वाई द वैल्यू ऑफ इनिशियल विलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स इज इज इक्वल टू जीरो टाइम एज इट इज आएगा प्लस वन बाय टू ए की जगह जी आएगा टी स्क् स्टूडेंट्स फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वन बाय टू जी टी स्क्वेयर क्योंकि जब जीरो टी से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर भी जीरो आएगा तो स्टूडेंट्स दिस इज द टोटल डिस्टेंस विच द बॉल कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और फिर हमने एक एग्जाम्पल की मदद से प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस किया और वर्टिकल मोशन को डिस्कस किया नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल पॉइंट से थ्रो करते हैं विद सम एन एंगल थीटा तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी इट मींस दैट कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम बनाएंगे एक्स वाई प्लेन वर्टिकल लाइन इज एक्सिस एंड होरिजोनटल एक्स एक्सिस फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी वी एंड एंगल थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में जाएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जाने की बजाय इसका पाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट इसी तरह से मूव करता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा उसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है इसी को तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं नाउ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वी आई और हमने कितने एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंका है एंगल थीटा लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ये कर्व ड्रॉ की इस विलोसिटी के इस इनिशियल विलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस और स्टूडेंट्स यही ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाकर या जमीन के साथ जाकर टकराएगा हम उसकी उस विलोसिटी को फाइनल विलोसिटी कहेंगे और अगेन स्टूडेंट्स फाइनल विलोसिटी के बीच टू ही कंपोनेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया ओरिजिनल विलोसिटी है वी इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनिशियल विलोसिटी एंड फाइनल विलोसिटी और स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल विलोसिटी की बात करें तो इनिशियल विलोसिटी को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनिशियल विलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्टूडेंट्स इनिशियल विलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम फाइनल विलोसिटी की बात करें तो इसके भी टू कंपोनेंट्स होंगे वन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विच इज वी एफ एक्स एंड वन कंपोनेंट विल बी इन द डायरेक्शन टू वी एफ वाई तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं टोटलिटी की कितनी वैल्यूज है तो आप कहेंगे सर फोर वी आई एक्स वी आई वाई वी एफ एक्स एंड वी एफ वाई लेकिन स्टूडेंट्स हमें विलोसिटी की कितनी वैल्यूज मालूम है सिर्फ और सिर्फ इनिशियलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट के درمیان किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी नहीं होगी आप देख सकते हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट उसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स द दिलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसी को हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियसोसिटी तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट मींस दैट हमें उस पॉइंट के ऊपर विलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मालूम होना चाहिए और विलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी मालूम होना चाहिए तो नाउ स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं लोसिटी का होरिजोनटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट लेकिन स्टूडेंट्स लेकिन स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट की मोशन कंसीडर करें अलोंग एक्स एक्सिस तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि होरिजोंटल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होती है जीरो तो एक्सलेशन की वैल्यू भी क्या होगी जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और अगर एक्सीलरेशन ही जीरो है तो ऑब्जेक्ट की विलोसिटी क्या होगी कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनिशियल विलोसिटी वी आई है और हम इनिशियल विलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इनिशियल विलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वी आई थीटा जैसा कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर टू में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं और एक कंपोनेंट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स ये था इनिशियल इनिशियलिटी का एक्स कंपोनेंट लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं फाइनल विलोसिटी का एक्स कंपोनेंट डिस्कस करूं तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट ही के इक्वल आएगा तो दोनों की वैल्यूज क्या स्टूडेंट्स वी आई हुई थीटा तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम क्यों लिखा है तो आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की विलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है उसकी विलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें अलोंग वाई एक्सिस और हम ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में मौजूद विलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स तो अगर अगेन हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा वेक्टर के ओरिजिनल मैग्नीट्यूड के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा आएगा लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के इक्वल नहीं आएगा रीजन क्या है स्टूडेंट्स बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि हमने अभी डिस्कस किया है और स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है विच इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन और फोर्स की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी तो स्टूडेंट्स अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट मालूम हो तो हम फाइनल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब चूंकि हम मोशन को Y एक्सिस के डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे वी एफ वाई वी आई वाई तो स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आप देख सकते हैं वी एफ वाई किसके इक्वल आएगा द वैल्यू ऑफ वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई थीटा एंड स्टूडेंट्स इस केस में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे जी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स माइनस जी बिकॉज ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर स्टूडेंट्स हम ए की जगह क्या पुट करेंगे माइनस जी और टाइम एज इट इज आएगा तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा वी आई थीटा माइनस जी टी तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्या हमने वेलोसिटी की फोर वैल्यूज को कंप्लीट कर लिया है यस स्टूडेंट्स वी आई एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है स्टूडेंट्स वी आई कोस थीटा। वी आई वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वी आई साइन थीटा और स्टूडेंट्स वी एफ एक्स की वैल्यू क्या है वी आई कोस थीटा और फाइनली स्टूडेंट्स हमने फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिराइव किया है विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी नाउ स्टूडेंट्स टॉपिक का नेम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी मालूम होने का मतलब है हमें पता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है और हमें यह भी पता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट क्या है लेकिन हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं एट एनी इंस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी किसकी मदद से निकालेंगे हम द एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मींस दैट अगर हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन भी तो स्टूडेंट्स हम यहां पर लिखते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? विच इज़ एट एनी सर्टेन टाइम तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने चैप्टर नंबर टू में डिस्कस किया है कि हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीच्यूड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स होरिजोनटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट तो स्टूडेंट्स यहां पर वेलोसिटी का फाइनल मैग्नीच्यूट किसके इक्वल आएगा स्क्वेर रूट पहले हम लिखेंगे स्क्वेयर ऑफ टल कंपोनेंट एंड देन हम लिखेंगे स्क्वेयर ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने दोनों केसेस में फाइनल वेलोसिटी यूज की है बिकॉज़ हम फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसको हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की मदद से और फाइनल विलोसिटी के वाई कंपोनेंट की मदद से तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करें क्स इज इक्वल टू आप देख सकते हैं वी आई को स्थीटा होल स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज के स्क्वेयर को सोल्व करें तो हम लिखेंगे वी आई कोस थीटा होल किसके इक्वल होगा स्क्वेयर वी आई के ऊपर भी अप्लाई होगा और कोस थीटा के ऊपर भी तो हम लिखेंगे आई स्क्वेयर थीटा नाउ स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड टर्म को देखें तो आप देख सकते हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वेयर तो स्टूडेंट्स यहां पर हम स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी होल इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर क्या आएगा वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टू टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म और लास्ट पे स्टूडेंट्स प्लस स्क्वेयर ऑफ द सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं वी आई स्क्वेयर दो मरतबा लिखा गया है फर्स्ट टर्म में भी वी आई स्क्वेयर मौजूद है सेकेंड टर्म में भी वी आई स्क्वेयर मौजूद है तो हम यहां से वी आई स्क्र को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगे थीटा और स्टूडेंट्स इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे माइनस टू वी आई साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वेयर टी स्क् नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम होगा साइंस स्क्वे थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा का आंसर किसके इक्वल होता है वन के इक्वल तो स्टूडेंट्स यहां पर हम साइंस स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा या फिर को स्क्वेयर थीटा प्लस साइंस स्क्वेयर थीटा की जगह वन पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वी आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू टाइम्स वी आई थीटा जी टी प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फाइनल आंसर आएगा वी आई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस टू वी आई साइन थीटा इंटू जी टी तो स्टूडेंट्स ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइनल वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम चैप्टर नंबर टू में सीख चुके हैं कि डायरेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा और डिनोमिनेटर में वेक्टर का एक्स कंपोनेंट तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं y कंपोनेंट आएगा वी एफ कंपोनेंट आएगा वी तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स नाउ स्टूडेंट्स अगर हम थेटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेंजेंट को हम इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट में आएगा वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वी एफ वाई और वी एफ एक्स की वैल्यूज को पुट करें तो थीटा का फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स नाउ स्टूडेंट्स वी एफ वाई की वैल्यू किसके इक्वल है आप देख सकते हैं वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी तो हम लिखेंगे वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइड में स्टूडेंट्स क्या आएगा द वैल्यू ऑफ वी एफ एक्स विच इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट की स्टूडेंट्स आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया जिसमें सबसे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया देन प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस किया देन वर्टिकल मोशन को डिस्कस किया और स्टूडेंट्स लास्ट पे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा कि किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़